कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर छेड़े गए इस महायुद्ध में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्पष्ट निर्देश है कि जो बाहरी मजदूर प्रदेश में इस वक्त जिस भी जगह पर है वहां पर ही रहे, मगर इस तरह आर्थिक संकट के चलते कोई भी मजदूर, गरीब व असहाय व्यक्ति भूखा न रहे, इसका दायित्व तो प्रशासन को सौंपा गया है। इन आदेशों का पालन करते हुए मंडी जिला में प्रशासन पंचायत प्रतिनिधियों से मिलकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जिन्हें राशन मुहैया करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंडी जिला के पंडोह व जागर पंचायत में तहसीलदार सदर गणेश ठाकुर की अगुवाई में प्रशासन की एक टीम ने दौरा किया और 60 प्रवासियों को राशन किट वितरित किए। इस दौरान इस टीम द्वारा लोगों को कोरोना वायरस को लेकर भी जागरूक किया गया तथा प्रवासी मजदूरों से उसी स्थान में रहने की अपील की गई। तहसीलदार गणेश ठाकुर ने ग्रामीणों को इन प्रवासी मजदूरों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर के आदेशानुसार पूरे जिला में सर्वे किया जा रहा है और ऐसे प्रवासी मजदूरों व गरीब लोगों को चयनित कर उन्हें राशन की किट भी मुहैया करवाई जा रही है। डीसी साहब की पहल के अनुसार जो COVID-19 के अंतर्गत लॉकडाउन किया गया है और जो हमारे दूसरे राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं जिनके राशन कार्ड नहीं है, जिनको राशन नहीं उपलब्ध हो सकता है, उसके तहत हमने आज जागर पंचायत और पंडोह पंचायत में कुछ बेसहारा लोगों को राशन बांटा है। लगभग 60 किट्स हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जिसमें लगभग 300 लोग जो हों इसमें कवर होंगे। और हमने इनके कंसर्न ठेकेदार से भी आह्वान किया है कि आपकी भी उतनी ही जिम्मेवारी है, उतना दायित्व है जितना सरकार का है, आपकी लेबर है, और आप भी इनका बिल्कुल ध्यान रखिए और अगर इनको राशन की कमी होती है तो उनको राशन उपलब्ध कीजिए। अभी हमने इनको और हिदायत दी है कि इसके अलावा अगर कोई और व्यक्ति है जो 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 इस आपदा से प्रभावित है वो हमारे से कभी भी संपर्क कर सकता है, पंचायत प्रधान के थ्रू, हमारे पटवारी के थ्रू,